नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज और मैं हूं आपके साथ हारुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम झारखंड के चुनावी चक्रव्यूह में। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 18 नवंबर से थम गया है चुनाव प्रचार। इसके बाद से सभी प्रचारक या प्रत्याशी को निर्देश है कि किसी भी मतदान वाले इलाके में न रहें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। बता दें कि 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पर संपन्न हुआ है, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा, यानी कि कल है। 38 सीटों पर कल मतदान होगा, जिनमें से कुछ सीटें काफी अहम है, जैसे कि बोरियो, बरहेट, जामताड़ा, गांडे, डुमरी, सिल्ली। यूं तो 38 सीटों पर मतदान है और सभी दलों ने सभी सीटों के लिए जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अगर हम बात करें बोरियो सीट की, तो बोरियो में इस बार बीजेपी के लोबिन हेमरम और जेएमएम के धनंजय सोरेन के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ है 5 बार के लगातार विधायक रहे लोबिन हेमरम, जिन्होंने जेएमएम छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। वहीं दूसरी तरफ है झामुमो से धनंजय सोरेन, और खेल बिगाड़ने के लिए बीच में कुछ छोटे मोटे दल भी हैं, जैसे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अब बोरियो की जनता 5 बार के विधायक को चुनेगी या फिर कोई बड़ा खेल होगा, ये 23 तारीख को पता चलेगा। अब अगर बात करें बरहेट सीट की, तो इस सीट पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ से उम्मीदवार है और उनके प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी से गमालियम हेमरम। वहीं जामताड़ा सीट से कांग्रेस के इरफान अंसारी बीजेपी की सीता सोरेन को टक्कर दे रहे हैं। इस सीट से इरफान अंसारी लगातार 2 बार से विधायक हैं और इससे पहले उनके पिता फुरकान अंसारी भी यहां से जीत चुके हैं। ऐसे में जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन के लिए मुकाबला कड़ा है। अब बात करते हैं गांडे सीट की, तो इस सीट पर जेएमएम की स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने मुनिया देवी को प्रत्याशी बनाया है। दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। अब आते हैं डुमरी सीट पर। डुमरी सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है, इसके साथ ही त्रिकोणिया मुकाबला भी देखने को मिलेगा। एक ओर जेएमएम के पुराने सिपाही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, दूसरी ओर है एनडीए में शामिल आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी, और तीसरी ओर दोनों को कड़ी टक्कर देने वाले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो जयराम महतो। अब इस सीट पर झारखंड की जनता नजर बनाए हुए है, इसलिए ये सीट अहम मानी जा रही है। वहीं सिल्ली विधानसभा सीट पर भी डुमरी की ही तरह त्रिकोणिया मुकाबला है, यानी जेएमएम वर्सेस आजसू वर्सेस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। झामुमो के अमित महतो इस बार आजसू सुप्रीमो को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं जयराम के सिपाही देवेंद्रनाथ महतो भी झामुमो और आजसू को चुनौती देने मैदान में हैं। अब इस सीट पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि सिल्ली को सुदेश महतो का गढ़ माना जाता है। वहीं धनवार सीट से बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंदन क्यारी सीट से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इन सीटों के अलावा लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, जामताड़ा, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पौड़ैया हाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, बगोदर, जमुआ, गिरिडीह, गोमिया, बेरमो, बोकारो, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, खिजरी विधानसभा सीटों पर मुकाबला देखने लायक होगा। सभी सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 14,218 मतदान बूथों पर मतदाता करेंगे। इनमें से 11,804 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं और 2,414 शहरी इलाकों में हैं। प्रत्येक बूथ पर औसतन 871 मतदाता होंगे। कुल 528 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 55 महिलाएं उम्मीदवार हैं। 23 नवंबर को इन सभी की किस्मत का बंद पिटारा खुलेगा, जिसके बाद ये मालूम होगा कि आखिर झारखंड में किसकी बनेगी सरकार और किसकी सियासी पारी पर लगेगा विराम। तब तक के लिए आप भी बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।